सर्वजन सर्वजन सर्वहिताय बने हूँ सावधान इंद्रासन कण कण में हो व्याप्त दृष्टि कण कण में हो व्याप्त दृष्टि बने लोग आधार शारदे कर ऐसा उपकार कर ऐसा उपकार शारदे कर ऐसा उपकार नारद की वीणा से निकले शब्दों की झनकार शारदे कर ऐसा उपकार ओ ब्रह्माणी वीणा पाणी मातु विद्या दानी काव्य कला विद्या की देवी ओ वरदा वरदानी कर दो जन कल्याण भगवती स्वरों का हो उद्धार शारदे कर ऐसा उपकार कर ऐसा उपकार शारदे कर ऐसा उपकार नारद की वीणा से निकले शब्दों की झनकार शारदे कर ऐसा उपकार मानस पुत्र हो ब्रह्मा के तुम सर्वव्याप्त हो ज्ञानी मानस पुत्र हो ब्रह्मा के तुम सर्वव्याप्त हो ज्ञानी नारायण नारायण रटते पुण्य हो गई वाणी हमेशा नारद जी भजन नारायण नारायण हरि हरि जपते थे और नारायण का नाम ऐसा होता है जिसको जपते जपते वाणी अपने आप पुण्य हो जाती है नारायण नारायण रटते पुण्य हुई है वाणी युग दृष्टा आचार्य हो नारद युग दृष्टा आचार्य हो नारद हुए स्वयं साकार शारदे कर ऐसा उपकार कर ऐसा उपकार शारदे कर ऐसा उपकार नारद की वीणा से निकले शब्दों की झनकार शारदे कर ऐसा उपकार कृपा कोर कर दो ब्रह्माणी पूजन थाल सजाए मातु सरस्वती संकल्पित हो द्वार तिहारे आए हो वे विश्व विकास कलम से सभी पत्रकारों की यही आरती रहती है हो वे विश्व विकास कलम से सहज सौम्य आचार शारदे कर ऐसा उपकार कर ऐसा उपकार शारदे कर ऐसा उपकार नारद की वीणा से निकले शब्दों की झनकार शारदे कर ऐसा उपकार अंतिम वाणी नारद के लिए वो संवाददाता जगती के भक्ति भाव अनुरागी वो संवाददाता जगती के भक्ति भाव अनुरागी पूज्य पाद देवर्षि आपसे लगन सभी की लागी पूज्य पाद देवर्षि आपसे लगन सभी की लागी चावल चंदन लिए नवोदित चावल चंदन लिए नवोदित और फूलों के हार शारदे कर ऐसा उपकार कर ऐसा उपकार शारदे कर ऐसा उपकार नारद बहुत बहुत धन्यवाद माँ वीणा पाणी की आराधना देवऋषि नारद की आराधना के बाद अब स्वागत गीत और वर्षों के पश्चात हम कार्यक्रम को प्रारंभ करें चंद शब्द में प्रयास किया आप लोगों के अभिनंदन स्वागत के लिए मान वंदना इष्ट यूनियन है अनुपम जैसा बताया कि ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था से संबंधित है जर्नलिस्ट यूनियन है अनुपम ये मध्य प्रदेश नंदन की तरह नंदन बन बन गया है जहां हम सभी विचरण करते हैं ये मध्य प्रदेश नंदन की तरह मेरी आंखों में बसता है अंजन की तरह मेरी आंखों में बसता है अंजन की
तरह लोकल देखिए यहाँ पे जंप बना प्रांतीय इकाई मोह दमोह समारे डॉक्टर हंसा वैष्णो ने कार्य किए यूं सारे। ये हमारे जिले के अध्यक्ष हैं श्री किशोरी लाल ताम्रकार लिए स्वप्न मन भावन पत्रकार सम्मेलन में गए आज सरसता सावन। इस कार्य समिति की बैठक में मन महक रहा मधुबन की तरह मेरी आंखों में बसता है अंजन की तरह जी हैं मंजूर मोद मनाते है प्रताप सिंह लोधी विधायक शीतल तलिए चंदन की तरह। श्री प्रताप सिंह जी से मेरा बहुत संपर्क रहा कई वर्षों तक नोटा महोत्सव में जब हम लोग भागीदारी निभाते थे तो आपका मार्गदर्शन लेता था। है प्रताप सिंह लोधी विधायक जी शीतल तलिए चंदन की तरह मेरी आंखों में बसता है अंजन की तरह। श्रीमती मालती असाटी करती भागे नारी नगर पालिका अध्यक्षा की मन कर छवि है न्यारी। श्री कमलेश की भरद्वाज में का है शत शत अभिनंदन अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष का लेकर चावल चंदन। स्वागत शत बार अतिथियों का पुष्पहार लिए अर्चन की तरह मेरी आंखों में बसता है अंजन की तरह शब्द श्री डॉक्टर एल एन वैष्णव जो लगातार एक महीने से लगे हैं खाना पीना सब कुछ छोड़ करके लगातार परिश्रम कर रहे हैं। डॉक्टर एल एन वैष्णव है सुमधुर साज सजाया जग में लक्ष्मी नारायण की व्याप्त है अद्भुत माया। कमला नेहरू महाविद्यालय में है छाया बसंत श्री के पी अहरवाल लिए प्राचार संकल्प अनंत। नित नेम नवोदित लेके चले वंदन की तरह मेरी आंखों में बसता है अंजन की तरह के ही कवि लोग हैं लाभ है अतिथि हैं हम अतिथि हैं सभी लोग अपने हैं लेकिन चूंकि परंपरा है और उसी परंपरा का भारत की हमारे जो परंपरा है उसका पालन करते हुए हम आज के कार्यक्रम के सम्माननीय मुख्य अतिथि श्रीमान प्रहलाद पटेल जी माननीय सांसद दमोह लोकसभा क्षेत्र के स्वागत के लिए जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्यप्रदेश जंप के जिलाध्यक्ष स्वागत करेंगे। ये बहुत ही गौरव का क्षण कि हमारे सम्माननीय मुख्य अतिथि स्वयं स्वागत कर रहे हैं हमारे सम्माननीय अतिथियों का हमारे समस्त पत्रकार साथियों का जोरदार तालियां उनके लिए कि उन्होंने पूरे कार्यक्रम को ही ये बहुत सौभाग्य का विषय। मैं आमंत्रित करता हूँ नगर के प्रथम नागरिक श्रीमती भारती आचार्य जी का स्वागत करें।
का उस बार से स्वागत करें। नारायण त्रिपाठी जी भी आए, त्रिपाठी जी कृपा करें, वह आए और प्रताप सिंह जी का स्वागत करेंगे। हमारे माननीय विधायक जी जबेरा जबेरा विधानसभा के सम्मानी विधायक जी प्रताप सिंह जी का स्वागत हमने किया। हम वह स्वागत करें रविंद्र वाजपेयी जी का। और मैं आवाज मिस्टर कुरैशी जी को भी सांसद जी का स्वागत करेंगे। श्री हमारे बीच उपस्थित हैं सुनील भगत जी को भी आए और रविंद्र वाजपेयी जी का स्वागत करें। हमारे राष्ट्रीय सचिव एनयू जी के और स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के गोविंद सिंह जी ठाकुर हमारे बीच उपस्थित हैं, बढ़ गए और स्वागत करें हमारे सांसद जी का। अब मैं चाहूंगा कि ये महाविद्यालय परिवार के लोग भी कुछ स्वागत करना चाहते हैं, क्योंकि जिनका जिनके उसमें आयोजन होते हैं तो मैं आभार दूंगा इसे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर के पी अग्रवाल को भी मैं सांसद जी का पुष्पहार से स्वागत करें। मैं चिकित्सा करना थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी नाम पढ़ रहा हूँ। बिमला चय जी हमारे बीच उपस्थित थे, बिमला चय डॉक्टर आरोप जैन और डॉक्टर रत्नेश सराफ जी आप ही हैं और मंच पर विराजमान अतिथियों का चर्चा स्वागत करें। आर खान साहब भी हमारे बीच के बच्चे थे वो भी आए और डॉक्टर किरण दुबे जी अगर हमारे बीच में वो भी आए। एच एन श्रीवास्तव जी को भी मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आए। विनोद तांडिल जी भी आए और स्वागत करें और मैं आमंत्रित करूंगा। हमारे बीच में बहुत सारे चिकित्सक बंधु भी उपस्थित थे तो उनका प्रतिनिधित्व करते हुए डॉक्टर गौरीशंकर सोनी जी को आमंत्रित करूंगा तो आए और सभी चिकित्सक बंधुओं की ओर से वो स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित है माइशन सीमेंट की ओर के जनसंपर्क अधिकारी बिंदु अठाटी जी। वह भी स्वागत करें और फिर इस स्वागत की लीला को हम यहाँ विराम देंगे। माननीय हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और समस्त मंचाधीन अतिथियों का आभार दूंगा। इस जिले के जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रताप वैष्णव को आए और स्वागत प्रस्तुत करें। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए आदि पत्रकार देव ऋषि नारद का वंदन एवं मंच पर विराजमान समस्त अतिथियों का अभिनंदन करती हूँ। प्रदेश के विभिन्न जिलों से पधारे पत्रकार साथियों एवं जिले के समस्त प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडियो के पत्रकारों गणमान्य नागरिकों का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ इस समारोह के मुख्य अतिथि एवं क्षेत्र के माननीय सांसद श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का जिन्होंने हमें कीमती समय हमारे इस कार्यक्रम को दिया। स्वागत करती हूँ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेश शर्मा जी का जिन्होंने दमोह नगर में यह कार्यक्रम आयोजित करने की हमें प्रेरणा दी। प्रदेश महासचिव नवीन जोशी जी का भी वंदन करती हूँ
जंप के माननीय राष्ट्रीय सचिव स्कूल ऑफ जर्नलिज्म श्री रविंद्र वाजपेयी जी का, जिनकी विशिष्ट अतिथि यह कार्यक्रम गरिमय रूप से संपन्न होने जा रही है। मैं स्वागत करती हूँ कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय इस सभा कक्ष में उपस्थित जिले के सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, मान्यगण्य नागरिक एवं मातृशक्ति का। जिले के सचिव और पत्रकार साथी किशोर लाल पत्रकार जी आए और अपनी बात उसी के रूप में प्रस्तुत करें। आयोजन का प्रयोजन और संक्षिप्त के लिए हम वक्ताओं का और कार्यक्रम को प्रदान करने के लिए अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें। प्रदेश में ओंकारेश्वर में एक बैठक होने जा रही है, इसकी रूपरेखा दोनों मध्य की जाएगी, इसके लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और हमारे दमोह जिले की भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या है, दमोह जिले की संस्कृति क्या है, इन सब चीज़ों से रूबरू होंगे हमारे प्रदेश से आए हुए पत्रकार, और दमोह जिले में विकास कैसे होता है, कहाँ होता है, ये सब जानकारी हम अवलोकन करेंगे हमारे प्रदेश से आए हुए पत्रकार। धन्यवाद, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। हम चाहेंगे कि हमारे सम्मानीय मुख्य अतिथि को अनिल जैन जी अभी आए और हमारे और साथी भी आए। हम यह देव देवों के देव महादेव जो हैं हमारे सम्मानीय मुख्य अतिथि जी का को यह हम समस्त अतिथियों को यह माननीय प्रदेश अध्यक्ष को जितनी प्रचित रविंद्र वाजपेयी जी को हमारे बीच उपस्थित है, सभी अतिथियों को सुनिए और अवसर होगा कि महाविद्यालय परिवार भी तैयार हो जाए, बिल्कुल जल्दी से आप सभी को बुला लें और हमारे प्राचार्य करना है डॉक्टर के पी अहरवार के नेतृत्व में हम चाल सिंफल और स्मृति चिन्ह का और भी सम्मानित करेंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए आप सभी लोग जो लोग हैं वो आ जाए, हमारे बीच उपस्थित है वरिष्ठ अधिवक्ता श्री भगवती श्रीवास्तव जी ने, उनका भी स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूँ। और हमारे सभी सामान्य अतिथियों को हमने यह प्रतीक चिन्ह के रूप में भगवान भोलेनाथ का यह चित्र उनको दिया और Thank you.